close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपके लिए अनदर मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ यहाँ पर, फेस्टिव मेकअप लुक। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो गाइस, यहाँ पर आप मिलिए मेरी बेटी यशवी से। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कैमरे में आने के लिए कि मम्मा मुझको दिखना है दिखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लैक्मे का प्राइमर लिया, उसके बाद मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई किया ताकि मेरे पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाए, मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र पहले ही यूज़ कर लिया था। देन यहाँ पर मैंने कलर बार का फाउंडेशन लिया है जिसे मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई किया है, और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये पूरे फेस से इवनली ब्लेंड हो जाए और एक इवन यहाँ पर टोन मुझे दिखे, फेस बिल्कुल नेचुरल लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने मेबलिन का ही कंसीलर लिया है जिसे मैंने अपने अंडर आई एरिया पे और अपने फोरहेड जॉ लाइन पे अप्लाई किया है, अपने माउथ के आसपास जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हल्की पिगमेंटेशन है। इसके बाद मैंने स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और यहाँ पर मैंने ABS का बनाना पाउडर लिया। ये बनाना पाउडर बहुत ही अमेजिंग है और बजट फ्रेंडली है, आप इसे ज़रूर परचेज करिए। आई शेडो पैलेट लिया है, मुझे इसका नेम मेंशन नहीं है, मैं आपको इसका नेम मेंशन कर दूँगी, डिटेल्स मैं सारी प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है अपने ब्राउनिंग के लिए और कंटूरिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग नहीं करनी फेस पे, बहुत नेचुरल ये लुक, पार्टी लुक टाइप का नहीं चाहिए, बस फेस्टिव लुक टाइप का चाहिए। तो बहुत ही नेचुरल लुक मुझे यहाँ पे, मैंने सेम पैलेट में से ही ब्राउन आई शेडो लिया जिसे मैंने एज अ ब्राउन्जर और कंटूरिंग के लिए इसे यूज़ किया अपने चीक्स पर, अपने फोरहेड पर और नोज़ में इसे शेड दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो को शेप दिया और सेम ब्राउन आई शेडो लिया है जिसे मैंने जितनी भी आईब्रोज में गैप्स हैं उनको अच्छे से फिल कर लिया है। सेम पैलेट में से ही मैंने यहाँ पर न्यू शेड लिया है, क्रीमिश न्यू शेड लिया है जिसे मैंने एज अ बेस की तरह अपने आईलेट पर अप्लाई किया है ताकि मेरे जो भी मैं यहाँ पर कलर लूँगी वो बहुत पिगमेंटेड तरीके से इसे दिखे, क्योंकि सबसे पहले आपको बेस पे अप्लाई करना होता है आईलेट पर। देन यहाँ पर मैंने सेम पैलेट में से ग्रीन शेड लिया है और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इनर टू आउटर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर सब ब्लेंडिंग का ही कमाल है, आप जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। देन एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अपने लोअर लैश लाइन ग्रीन कलर यहाँ पर अप्लाई किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। रेवोल्यूशन के आई पैलेट में से मैंने एक शिमरी शेड लिया है जिसे मैंने अपने इनर लेट पे अप्लाई किया है फिंगर्स की हेल्प से, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पिगमेंटेड तरीके से यहाँ पर दिखेगा। देन यहाँ पर फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है, सेम पैलेट में से मैंने वो शिमरी शेड लिया है। देन NYB का मैंने यहाँ पे काजल लिया है जिसे मैंने अपने लोअर वाटर लेट पे अप्लाई कर लिया है, और सेम मैंने यहाँ पर वाइट काजल लिया है जिसे मैंने एज अ काजल यहाँ पर अप्लाई, अपने आईलैश को मैंने कर्ल कर लिया और यहाँ पे मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है आइकॉनिक का। मैंने रेवोल्यूशन का ही ब्लश यहाँ पे अप्लाई किया है, बहुत ही सटल ब्लश मैंने यहाँ पे रखा है ताकि बहुत ही ज़्यादा मुझे पिंकी पिंकी यहाँ पे लुक नहीं चाहिए, बहुत ही नेचुरल मुझे इफेक्ट चाहिए कि ज़्यादा मेकअप ना कराओ। कलर बार का हाइलाइटर लिया है और फैन ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई करा अपने चीक्स पे। देन यहाँ पर मैंने दो शेड की लिपस्टिक ट्राई की है, एक शुगर की है और दूसरी वॉन की, दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ही सेटिंग स्प्रे लिया है, सेटिंग स्प्रे बहुत ही अमेजिंग है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं बोलना भूल गई थी कि मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पर फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिए थे और यहाँ पर लाइनर भी लगा लिया था। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, होप आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय।